हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 33वां पार्ट है। और चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। तो बताइए, खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है, कौन सा खनिज है वो, अब्रक या मैग्नीज? भारत का सर्वाधिक अब्रक उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड या राजस्थान? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, सूरत या जयपुर? ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, जापान या जर्मनी? खनिज पदार्थों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, झारखंड या मध्य प्रदेश? और भारत के ऊर्जा के संसाधन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रश्न हैं जिसको हम ले रहे हैं। तो चलिए बताएं, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, तमिलनाडु में या उड़ीसा में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना प्रतिशत है, ये पीसीएस का प्रश्न है। तो बताइए, 4% है या 5%? अरे ये पीसीएस का प्रश्न आ चुका है। इसमें ये कंटेम्प्रेरी है, कुछ हल्की फुल्की तब्दीली भी आती है, तो ध्यान रखिएगा आप। और भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, डिगबोई में या माकूम में? और ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए हूबहू आप देखिए, और कई बार आता है, सर्वप्रथम वाला प्रश्न तो बहुत आता है, इस पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, ये भी प्रश्न आ चुका है कई बार, तमिलनाडु में या झारखंड में? और क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, प्रथम वाला प्रश्न आ गया और ये भी पूछा हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, शिव समुद्रम में या दार्जिलिंग में? और कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है, कलोल गुजरात या राजस्थान? और बताएं आप, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, उड़ीसा या तमिलनाडु? पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं, HBPCL या HPCL? भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है, 2/3 या आधा? विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका या सऊदी अरब? बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है, पाकिस्तान या बांग्लादेश? कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कैथलगुड़ी असम में या आंध्र प्रदेश में? वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कहाँ की जा रही है, जैसलमेर या जोधपुर? ये भी आ गया प्रथम वाला, तो प्रथम वाला तो याद होना चाहिए। और नेक्स्ट,
काला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? ताला भूटान या बांग्लादेश? और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पांचवा या चौथा? तो ये रहा कुल मिलाकर के, और बार बार आप सुनिए, बहुत फायदा की का तथ्य है ये, बहुत प्रश्न आते हैं इससे। थैंक यू।